हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यू विद मी। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट एंड दोस्त नवनीता। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्राइडे से सावन महीना शुरू हो गया, तो आप सभी को हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। तो सावन महीना शुरू हो गया, तो मैं क्या खरीदा आप लोगों के सामने मैं वही दिखाऊंगी। तो मैं सावन महीना स्पेशल हरी हरी चूड़िया खरीद के लाई। आज ये चूड़िया मैं पहनूंगी, सावन महीना में मैं पहनती हूँ, और है मेहंदी, तो मैं मेहंदी लगाऊंगी और ये चूड़िया पहनूंगी। तो देखिए ये बहुत अच्छा है, ये चूड़िया बहुत स्टोन वर्क किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। तो मैं आज पहनूंगी ये चूड़िया। तो हैप्पी सावन। तो सावन महीना में ये चूड़िया बहुत शुभ माना जाता है, ये हरा कलर का चूड़िया जो होता है तो बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैं हर सावन महीना में ये हरा कलर का चूड़िया पहनती हूँ और मेहंदी लगाती हूँ हाथों में। तो इस जो सोमवार है, ये फर्स्ट सावन महीना का सोमवार है, तो मैं भी फर्स्ट रखूँगी, तो इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ, ये चूड़िया पहनूँगी। और फिर जाके मैं जो शिव जी होता है, शिव जी को जल चढ़ाने जाऊँगी मंदिर में। ये चूड़िया मैंने पहन लिया, तो देखिए बहुत अच्छा है ये चूड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे हाथ में ये हरा कलर का चूड़िया कैसा लग रहा है, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पहन के, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं पहन लूँगी मेहंदी, मेहंदी सिंगल स्टाइल में पहन लूँगी। तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, अब मैं मेहंदी लगा लूँगी। तो ये मेहंदी जो मैंने कट कर लिया, थोड़ा सा कट कर लिया, और मैं सिंपल स्टाइल में मेहंदी पहन लूँगी। मेहंदी पहनने में ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सावन महीना में मेहंदी ज़रूर पहनती हूँ हर साल। और जो पूजा के टाइम पे मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे भी मैं पहनती हूँ, और जो दिवाली होता है, दिवाली में भी मैं मेहंदी पहनती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे मेहंदी पहनना, मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ ये हाथों में पहन लूंगी मेहंदी, और ये हाथ में मैं इस हाथ से मैं नहीं पहन सकती, तो इस हाथ में मैं पहन लूंगी। तो मैंने पहले ये गोल सा दे दिया इधर पे, अब मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो मेहंदी लगाने टाइम ना मेरा हाथ बहुत कांपता है, ऐसे करता है, तो गोल सा नहीं हो रहा है, तो बुरा बिखर गया। ये मेहंदी जिस भी तरह से लगाया जाए, इसका जब रंग निकल के आता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
वॉच कीजिएगा प्लीज, एकदम स्किप करके नहीं देखा जाए तो अच्छा है, वीडियो स्किप नहीं करें तो फुल वॉच करें प्लीज। मेहंदी का बहुत अच्छा कलर आने वाला है, देखते ही पता चल रहा है। मेरा बेटा देख रहा है अच्छे से मैं कैसे मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने इस सिंपल तरीके से पहन लिया मेहंदी, तो सूखने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट दिन, यानी कि आज है सोमवार, तो सावन महीना का आज है पहला सोमवार। तो मैं सुबह सुबह नहा लिया, देखिए मैं नहा लिया और रेडी भी हो गई हूँ, और घर का पूजा वूजा सब हो गया मेरा। तो मैं पहले जाऊँगी मेरा मायका में, तो मेरा मायका में छोटा सा एक मंदिर है, उसमें मैं शिव जी को जल चढ़ाऊँगी, फिर से फिर मैं जाऊँगी मंदिर में। तो बाहर में हो रहा है बहुत बारिश, तो बारिश थम जाए तो फिर मैं निकलूँगी। तो कल रात मैंने मेहंदी पहना था, तो मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा आया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेहंदी मुझे कैसा लगा, मेरा मेहंदी कैसा लगा आप लोगों को। और मैं पहनी आज एक कुर्ती, ये हरा कलर का कुर्ती। आज सावन महीना है, सावन महीने का पहला सोमवार, तो हरी हरी चूड़ियाँ मैंने पहन लिया, कल रात को मैंने पहन लिया था। और मैं अब नहा लिया, तो नहा के मैं ये हरा कलर का, ग्रीन कलर का कुर्ती पहन ली हूँ। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है देखने में। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने मैं
हेलो एवरीवन, तो आज मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ सब आज शेयर किया, तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के लिए मैं चलती हूँ, तो बाय बाय।